नमस्कार, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये वीडियो है मंगल ग्रह की ट्रांजिट 2016 में मेष राशि के लिए कैसी रहने वाली है उसके बारे में। मंगल जो है वो ग्रहों में सेनापति माने गए हैं। मंगल उग्र प्रकृति ग्रह है जिसके कारण जो लड़ाई होती है, टेम्परनेस बढ़ता है, इसके लिए मंगल ग्रह जवाबदार होते हैं। मंगल शुभ फल भी देते हैं, मंगल अशुभ फल भी देते हैं। मंगल कौन से स्थान से पास हो रहे हैं आपकी कुंडली के अंदर उसके ऊपर ये आधारित रहता है। आज के वीडियो में बात करेंगे मेष राशि के लिए मंगल का जो भ्रमण है वो 2016 में कैसा रहने वाला है उसके बारे में। तो वर्ष 2000 की शुरुआत में 23 दिसंबर 2015 से जो मंगल का भ्रमण है वो तुला राशि में हो रहा है। तो वर्ष की 2016 की शुरुआत में जो मंगल है वो तुला राशि में चल रहे हैं, जो कि मंगल यहां पर चलेंगे तुला राशि में 20 फरवरी 2016 तक। राशि से सप्तम स्थान में चलने वाले मंगल खास करके दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ नहीं माने गए हैं। जो भी जातक पब्लिक लाइफ में है उनको भी अपने पब्लिक रिलेशन में विशेष केयर करना होगा। शॉर्ट टेम्परनेस बढ़ ना जाए उसका खास केयर करना होगा। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो अपर लेवल से टेंशन कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए और फादर के साथ भी रिलेशनशिप में विशेष केयर करना होगा। कौटुंबिक एवं आर्थिक बाबतों में तो विशेष केयर करना ही है। 20 फरवरी 2016 के बाद मंगल चलेंगे आपकी राशि से अष्टम स्थान में। वृश्चिक राशि के अंदर जो मंगल का भ्रमण है वो भी शुभ नहीं माना गया है। खास करके कौटुंबिक एवं आर्थिक बाबतों में विशेष केयर करना होगा। मंगल का वृश्चिक राशि में भ्रमण है 20 फरवरी 2016 से 17 जून 2016 तक। तो 20 फरवरी से लेकर 17 जून तक वृश्चिक में चलने वाले मंगल हैं जिसके अंदर आग एवं इलेक्ट्रिक से केयर करना है, व्हीकल ड्राइव में केयर करना है, मित्रों के साथ रिलेशनशिप में केयर करना है, कौटुंबिक एवं आर्थिक बाबतों में केयर करना है और ब्रदर सिस्टर के साथ भी रिलेशनशिप में केयर करना होगा, क्योंकि अष्टम स्थान से मंगल अष्टम दृष्टि करेंगे पराक्रम स्थान में, जो भी थोड़ी सी साहस में रुकावट करवा सकते हैं। और रिलेशनशिप में केयर करना होगा नेबर्स के साथ और ब्रदर एवं सिस्टर के साथ। तो 17 जून 2016 तक वृश्चिक में मंगल चलेंगे जो राशि से अष्टम स्थान में है, जो भी शुभ नहीं माने जाएंगे। और 17 जून से मंगल वक्री होकर फिर से तुला राशि में आते हैं जो यहां पर चलेंगे 12 जुलाई 2016 तक। तो 12 जुलाई 2016 तक वंस अगेन आपको फिर से दाम्पत्य जीवन में पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में केयर करना है। 12 जुलाई से वंस अगेन मंगल वृश्चिक राशि में चलेंगे जो ये भ्रमण है 18 सितंबर 2016 तक। तो 12 जुलाई से 18 सितंबर अष्टम स्थान में मंगल का भ्रमण है वो भी शुभ नहीं माना जाएगा। खास करके कौटुंबिक एवं आर्थिक मामलों में आपको विशेष केयर करना होगा, आग इलेक्ट्रिक से केयर करना होगा और कौटुंबिक एवं आर्थिक बाबतों में विशेष केयर करना होगा। 18 सितंबर के बाद जो मंगल का भ्रमण है वो धन राशि में होने वाला है, जो कि यहाँ पर धन में चलेंगे 1 नवंबर 2016 तक। तो ये भ्रमण आपके लिए राहत करने वाला रहेगा। मंगल भाग्य स्थान में भाग्य में वृद्धि करने वाले बनेंगे। हालांकि ये मंगल भाग्य स्थान में जब चलेंगे तो खर्च आपके बढ़ेंगे, सेविंग्स कम होगी, ब्रदर सिस्टर्स के साथ रिलेशन में आपको केयर करना होगा, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कार्यों के अंदर भी आपको केयर करना होगा और माता के साथ रिलेशनशिप में आपको केयर करना होगा। ये समय जो है वो 18 सितंबर से 1 नवंबर 2016।
1 नवंबर 2016 के बाद मंगल चलेंगे मकर राशि में दसवें स्थान में, जो चलेंगे 11 दिसंबर 2016 तक। तो ये भ्रमण जो है वो आपके लिए बहुत शुभ है। 1 नवंबर 2016 से 11 दिसंबर 2016 दसवें स्थान में चलने वाले मंगल आपके लिए राजयोग करने वाले बनेंगे, क्योंकि दसवें स्थान में जब मंगल उच्च राशि में चलेंगे तो रुचक योग बनेगा। जन्म के चंद्र के साथ लक्ष्मी योग करने के कारण आपकी मानसिक संतुलन एवं प्रसन्नता में वृद्धि होगी और लक्ष्मी योग कारक बनेंगे, जिसके कारण आर्थिक सुखाकारी में वृद्धि होगी। हालांकि दसवें स्थान के जो मंगल है वो चतुर्थ स्थान में दृष्टि करते हैं और पंचम स्थान में भी अष्टम दृष्टि करते हैं, जिसके कारण माता के साथ रिलेशनशिप में केयर करना है, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कार्यों में भी केयर करना है और अपने संतानों के साथ रिलेशनशिप में केयर करना है, और सामान्यतः थोड़ी सी निराशा आप महसूस करेंगे प्रणय संबंधों में। 11 दिसंबर 2016 से 20 जनवरी 2017 तक मंगल का भ्रमण होगा 11वें स्थान में कुंभ राशि में। कुंभ राशि में चलने वाले मंगल आपके लिए शुभ माने जाएंगे, मित्रों से लाभ रहेगा, जमीन से लाभ रहेगा, हालांकि कौटुंबिक एवं आर्थिक बाबतों में केयर करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है धन स्थान के अंदर। पंचम स्थान में दृष्टि होने के कारण प्रणय संबंधों में सामान्यतः निराशा पाई जाएगी और मैटरनल साइड के रिलेशन में आपको केयर करना होगा, और यदि आप जॉब कर रहे हैं तो अपने सहकर्मचारी के साथ रिलेशनशिप में आपको केयर करना होगा। कुल मिला के जो ये मंगल ट्रांजिट का निचोड़ ये निकलता है 2016 के अंदर सितंबर तक का जो समय है वो आपको एकदम शांति से पास करना है, क्योंकि मंगल जो है वो ज़्यादातर ये साल के अंदर 2016 में सितंबर तक का जो समय है तुला एवं वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। तो तुला एवं वृश्चिक में भ्रमण जो है वो राशि से सप्तम एवं अष्टम स्थान में बन रहा है, जो कि ये भ्रमण है वो 18 सितंबर 2016 तक है। तो ये समय जो है वो 18 सितंबर तक का समय आपको एकदम शांति से पास करना है। यदि आपके कोई मित्र हैं मेष राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे अपलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, कमेंट्स करिए चैनल पर, कमेंट्स करिए वीडियो पर। मंगल के अशुभ तत्व के निवारण के लिए आप रोज गाय को गुड़ खिलाइए और खाने में भी गुड़ का प्रयोग करें, लाल वस्त्र धारण करें और गणेश जी और हनुमान जी की महत्तम उपासना करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें जीमेल से, ईमेल से और व्हाट्सएप के माध्यम से या मोबाइल से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते रहिए ऐसे ही नए नए प्रेडिक्शंस हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।